दरिया में छलांग लगाना या ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए जहर खा लेना बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी के चैलेंजों से गुजरना और दूसरों के काम आना बहुत मुश्किल है। नामसायद हालात के चंगुल में फंस कर रह गए कश्मीरी नौजवानों में से एक नाम ऐसा है जिसने अपनी अलग और मुनफरद पहचान बनाई है। जी हाँ नाज़रीन, शुमाली सरहदी ज़िला कुपवारा के हंदवारा से ताल्लुक़ रखने वाले आरजे मोहम्मद रफ़ी मीर की कहानी उसके ही ज़बानी। मोहम्मद रफी मीर नामसायद हालात में बने एक मिसाली नौजवान। अनंतनाग में असातिज़ा के लिए सलाहियत साजी के लिए तरबियती वर्कशॉप, पुंछ अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट में आला मयारी तिबी सहूलियात मयसर। राजौरी में उम्मीद स्कीम बना रही है ख्वातीन को बाइख्तियार। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की पहली कैलिस्थेनिक्स एकेडमी खोल दी गई। दरिया में छलांग लगाना या जिंदगी खत्म करने के लिए जहर खा लेना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी के चैलेंजों से गुजरना और दूसरों के काम आना बहुत मुश्किल है। नामसायद हालात के चंगुल में फंस कर रह गए कश्मीरी नौजवानों में से एक नाम ऐसा है जिसने अपनी अलग और मुनफरद पहचान बनाई है। जी हाँ नाज़रीन, शुमाली सरहदी ज़िला कुपवारा के हंदवारा से ताल्लुक़ रखने वाले आरजे मोहम्मद रफ़ी मीर की कहानी उसके ही ज़बानी। आरजे मोहम्मद रफ़ी जिद्दोजहद, कामयाबी, लगन और मेहनत व मशक्क़त का दूसरा नाम है। साल 2000 में वालिद साहब का सड़क हादसे में इंतकाल हो गया और कुछ बरस बाद बेरहम आग के शोलों ने सर से छत का साया भी छीन लिया। जिंदगी के अजब रंग है, कब कौन सा रंग दिखाती है ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद रफ़ी ने शुमाली जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आँख खोली, लेकिन सितम भरे हालात ने श्रीनगर में कायम एक यतीम खाने में पहुंचा दिया। बहुत सारे हमारे जो जानने वाले आसपास के लोग थे, तो उनमें से एक साहब थे जो बहुत बहुत ही यू नो हमसे प्यार करते थे, और वो श्रीनगर उनका ही यू नो जो वो आते जाते थे, और वो यहाँ एक ऑर्फेनेज के बारे में जानते थे। तो उन्होंने मेरे घर वालों को एक सजेशन दिया कि क्यों ना ऐसा करें कि एक यतीम खाना है, उस यतीम खाने में आप एक बच्चे को यू नो डाल सकते हैं, पढ़ाई वगैरह वो वहाँ कर सकता है। अब मेरे घर की सिचुएशन ऐसी कि अब कौन जाए, इसको लेकर के बड़े सवाल उठे। और जो मेरी प्यारी दादी जी थी वो तो नहीं चाहती थी कि कोई भी जाए, लेकिन फिर कैसे करके मुझे कहा गया कि आप जाओ। एंड वो डिसीजन, आज मैं उस डिसीजन की बहुत दाद देता हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत डिसीजन था घर वालों का। हालात जब बहुत ख़राब होते हैं तो उस बीच में अगर कुछ बहुत तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ता है, और मैं ऑर्फेनेज आ गया, जम्मू एंड कश्मीर यतीम खाना राहत मंजिल के नाम से ये एक इदारा है जहाँ पर यतीमों की तालीम, तरबियत, उनका रहना, खाना पीना सब वहीं पे होता है। तो मैं जी वहाँ आ गया और वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई। वहाँ से उन्होंने एक कपड़े से लेकर के मेरी पढ़ाई का खर्चा, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स या जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे ग्रूम करने का काम वहाँ उस ऑर्फेनेज से हुआ। आरजे मोहम्मद रफ़ी ने पढ़ाई के दौरान एक सिंगिंग मुकाबले में हिस्सा लिया। रफ़ी का कहना है कि अगरचे वो सुरताल की समझ नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने चोरी छुपे इस सिंगिंग मुकाबले में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की। मैंने सिंगिंग का ऑडिशन दिया और न जाने क्यों, मैं कुछ भी नहीं जानता म्यूजिक के बारे में, उन्होंने मुझे उस दिन सिलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम ये थी सर कि मेरे पास नंबर नहीं था जो कॉन्टेक्ट नंबर उनको देना था, मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था क्योंकि हॉस्टल में अलाउड नहीं था। तो मैंने वार्डन साहब का नंबर दिया। वार्डन साहब का नंबर दे के अगले कुछ दिनों बाद जब वहाँ कॉल आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपका बेटा सिंगिंग शो में सिलेक्ट हो गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनसे बात कराइए। सर परेशान कि ये कौन सा मेरा बेटा है जो सिंगिंग शो में गया है और वो सिलेक्ट हो गया है। तो उन्होंने पता करें नाम जब मेरा सुना तो मुझे बुलाया। बहुत ज़बरदस्त मारपीट हुई और उस मार का शायद एक रिजल्ट निकला कि उन्हें लगा कि ये बहुत रोया, मैं बहुत रोया उस मार के बाद। एंड देन उनको शायद वो बात दिल पे चुभ गई और लग गई। अगले दिन उन्होंने, जिस दिन मुझे उन्होंने बुलाया था कि आप रियाज के लिए आए, रिहर्सल्स के लिए आए, तो ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे चोरी छुपे
उसी चार दीवार के दरवाजे से बाहर निकाल के भेजा कि जाओ जी आप जा सकते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर मैं खुद को प्रेजेंट कर रहा था। आरजे बनने के बारे में रफी कहते हैं कि रेडियो पर फरमाइशी नगमे सुनकर उनके दिल में तमन्ना जाग उठी कि वो अपनी ही आवाज रेडियो पर सुनना चाहते हैं, और इस तमन्ना ने रफी को सिंगिंग शो से रास्ता दिखाकर रेडियो की माइक तक पहुंचा दिया। हमारे यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को बहुत लोग सुनते थे, और हमारे घर में भी यही माहौल कि वॉइस ऑफ अमेरिका का शो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम का एक शो आता था चार्ट बस्टर्स करके, चार्ट बस्टर्स शो में सुनता था, और वहाँ लोग फरमाइश करते थे, गानों की फरमाइश। एंड वहाँ पर एक लड़की की फरमाइश आती थी इस कॉल में, वो एक गाना सैटरडे को डेडिकेट करती। गाना था तुझे याद ना मेरी आई। एक हफ्ते, अगले हफ्ते और तीसरे हफ्ते जब ये बार बार ये गाना बज रहा था उसी लड़की की फरमाइश पर, मुझे लगने लगा कि ये गाना ये मुझे डेडिकेट कर रही है। तो रेडियो का वो रब्ता वहाँ से जुड़ा, और मैं रेगुलर कभी भी उस शो को मिस नहीं करता था, और ऐसी तमन्ना जागने लगी कि काश मैं अपनी आवाज़ को रेडियो में सुन पाऊँ। एंड वो लव कहीं ना कहीं था। एंड देन जब मैं इस शो की बात में जो बता रहा था, इस शो में जब आया तो उस शो से मुझे एक वो जहन मिल गया कि एक रेडियो में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो जजेस थे वो सब रेडियो से जुड़े हुए थे, बहुत लोग ऐसे थे जिनकी वाबस्तगी रेडियो से थी, और उन्हीं के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता मुझे मौका मिला कि मैं ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर यानी ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के इदारे में आ गया। और क्योंकि वो जस्ट एक रेडियो स्टेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली। आरजे रफी ने रेडियो की दुनिया में अपनी आवाज से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आला मकाम भी हासिल किया है। आरजे रफी के दोस्तों का मानना है कि बुनियादी जरूरियात से महरूम आरजे रफी ने साबित कर दिया कि जद्दोजहद का दूसरा नाम कामयाबी है। इंसान एक सपना देखता है और उस सपने तक पहुंचने का रास्ता जो होता है वो उसको पता नहीं होता, तो वो रास्ता कैसे बनाना है, उस रास्ते पर कहाँ कहाँ मोड़ लेना है और अपने एम तक कैसे पहुंचना है, वो एक स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल, वो जर्नी जो है, अगर हम आज रफीक की देखें तो इट इज़ एप्रिशिएबल बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड जहाँ पर ही वॉज डेफिसिट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ बेसिक नीड्स, जो हमारे बेसिक नीड्स में चीज़ें आती है उन चीज़ों का डेफिसिट था इसकी लाइफ में, बट ही ओवरकेम ऑल ऑफ दैट। एंड टुडे अगर हम आज रेडियो इंडस्ट्री को कश्मीर में जानते हैं तो इट्स लाइक रेडियो इंडस्ट्री का यहाँ पे रणवीर सिंह कौन है, इट्स आरजे रफीक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पैशन, एंड जो उसका काम है इसके लिए यही इसकी जिंदगी है। ही वॉन्ट्स टू अचीव हाइट्स बट इन हिज वर्क इसको पता है आगे कैसे जाना है, लेकिन अपने दायरे में रह के। दरिया में छलांग लगाना या जिंदगी खत्म करने के लिए जहर खा लेना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी के चैलेंजों से गुजरना और कामयाबी के लिए अपनी राह खुद तलाश करना ही तो कामयाबी है। जगह हुकूमत ने फौज के ताउन से अनंतनाग में असातिजा के लिए सलाहियत साजी के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया। तरबियती वर्कशॉप का बुनियादी मकसद असातिजा को जदीद तकाजों के ऐन मुताबिक नए तालीमी निज़ाम से हम आहंग करना था। असातिजा को इस तरबियती वर्कशॉप से किस तरह के फवायद हासिल हुए, देखिए ये खास रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अनंतनाग ने फौज के इश्तराक से असातिजा की सलाहियत साजी के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया। ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाने के लिए असातिजा को तरबियत देना था। असातिजा तरबियती प्रोग्राम को काफी फायदेमंद करार देते हुए कहते हैं कि मौजूदा हालात में निजाम तालीम को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की अहम जरूरत है। 5 दिनों का ये कोर्स था, 5 दिनों के लिए हमने इनको लाया था यहाँ पे। तो आर्मी वालों ने जो यहाँ पे हमारे कर्नल साहब हैं या लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, जैसे हमारे अपाया साहब हैं या विक्रम साहब हैं,
तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया और उन्होंने भी अपने जो रिसोर्स पर्सन हैं तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से उनको यूटिलाइज किया और उनके एक्सपीरियंस को भी हमने जांचा परखा और बहुत कुछ मुझे लगता है इट वाज ए वेरी नोबल एक्सपीरियंस। पहले मरहले में जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के 50 असातिज़ा को तरबियती प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया। तरबियती प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने असातिज़ा को जदीद तकाजों से हम आहंग होने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर असातिज़ा को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक जानकारी दी गई। इट वाज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग द ICT Information Communication and Technology, and basically these trainings happen, the government is going to take trainings every year, but this time it was totally different. We have seen here a good experience from the army personnel, how they have managed the system here, and I was, by myself, I will tell you that I was inspired a lot by the systematically the things they have arranged here for all of us. सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए महकमा तालीम की तरफ से जो तरबियती कोर्स चलाए जाते हैं वो यकीनन बेहद मुफीद और जरूरी होते हैं। फौज के इश्तराक से मौजूदा हालात के लिए तरबियती प्रोग्राम और भी फायदेमंद साबित हो रहा है। हुकाम ने बताया कि जिले के 12 जून्स में से 6 जून से 50 असातिज़ा को इस तरबियती प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके हमारे बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की। देयर अरेंजमेंट्स, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्वाइट, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज वेरी यूनिक वन। तो इनकी तरफ से जो रिसोर्स पर्सन्स थे दे वर क्वाइट एक्सेप्शनल इन डिलीवरिंग द कंटेंट, इन मेकिंग अस अंडरस्टैंडिंग द रोल दैट वी कैन प्ले बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड वी कैन सो दैट वी कैन कंटिन्यू द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। असातिज़ा की तरबियत खुद उनके लिए और तलबा के लिए काफी फायदेमंद होती है। नौजायद बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट जम्मू कश्मीर में बच्चों की निगहदाश्त के कामयाब यूनिटों में से एक साबित हुआ है। इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम जरूरी आलात मौजूद हैं। यूनिट कायम करने से जिले के लोगों की क्या राय है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में शोभा सेहत के बुनियादी ढांचे की तौसी और मजीद वसत देने के साथ साथ आम लोगों को बेहतर इलाज मुआलजे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जहां नए अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों का क्याम अमल में लाया जा रहा है, वहीं जिला सतह के अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस मनसूबे के तहत जिला अस्पताल पूंछ में नौजायद बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए एक अलहदा यूनिट कायम किया गया है। इसमें हमारे पास यहाँ पे 9 सर्वो वार्मर्स हैं जो ऑटोमेटिक हैं, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फोटोथेरेपी मशीन्स हैं जिसमें से हमारे पास ब्लू लाइट और डबल सरफेस फोटोथेरेपी है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं। इसमें हम जॉन्डिस के बेबीज़ का काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल ऑक्सीजन और इंजेक्टेबल सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें हम सेप्सिस वाले बच्चे और जिन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनका भी अच्छा ट्रीटमेंट कर पाते हैं। नौजायद बच्चों के लिए पुंछ अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट जम्मू कश्मीर में बच्चों की निगहदाश्त के कामयाब यूनिटों में से एक साबित हुआ है। इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम जरूरी आलात तक तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अलहदा यूनिट में बच्चों की देखभाल और इलाज मुआलजे की खातिर असर हाजिर के ऐन मुताबिक जदीद मशीनरी नस्ब की गई है। लोगों ने हुकूमती इकदाम की सराहना की। 6 डेज पहले मैं यहाँ एडमिट हुई, मेरा नॉर्मल केस है और बेबी है। बेबी मेरा ठीक नहीं था और इसको जेंट्स हो गया था। यहाँ हॉस्पिटल पुंछ में रखा हुआ है, इसका इलाज चल रहा है, अच्छा इलाज चल रहा है और ठीक है, आज रिकवरी होगी इसमें। तो यहाँ पुंछ में हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं, नर्सेज वगैरह स्टाफ सब ठीक है। जिला अस्पताल पुंछ में जच्ची वार्ड भी है। जच्चा बच्चा दोनों की तंदुरुस्ती की खातिर तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की तैनाती भी अमल में लाई गई है।
अस्पताल में माहाना 600 डिलीवरियां होती हैं। हुकाम का कहना है कि इस यूनिट के कायम होने से जम्मू रेफर करने की अमल पर रोक लग गई है। हमारे तकरीबन 130 और 140 के दरमियान में बच्चे हैं, वो इस यूनिट में ठीक हो जाते हैं और उनको हम डिस्चार्ज करके यहाँ से घर भेजते हैं। तो इस यूनिट के एस्टेब्लिश होने से हमें बड़ा फ़ायदा हो गया, वरना पहले हम इस किस्म के जितने बच्चे थे उनको जम्मू रेफ़र किया करते थे। आजकल रेफर रेट हमारा कम हो गया इस यूनिट की वजह से, और इसमें जो काम चल रहा है वो हमारी स्टाफ नर्सेज भी ट्रेन हैं और पीडियाट्रिशियन भी उसमें डेडिकेशन से काम करते हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए खास तवज्जो मरकूज की हुई है, जिसके तहत इस तरह के इकदामात उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए मरकजी हुकूमत ही फंड्स वागुजार करती है। उम्मीद हुकूमत हिंद की एक ऐसी स्कीम है जो न सिर्फ खवातीन को बा इख्तियार बनाने में कलीदी रोल अदा कर रही है, बल्कि गुर्बत की लकीर को मिटाने में भी एक संग मील की हैसियत रखती है। ये स्कीम सन 2013 में मुतारफ कराई गई। इस स्कीम के तहत मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी खवातीन बा इख्तियार बन रही है। राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के लिए उम्मीद स्कीम किस कदर फ़ायदेमंद साबित हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में हुकूमत हिंद की जानिब से मुतारिफ कराई गई उम्मीद स्कीम से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला राजौरी में खवातीन अपना रोजगार कमाने की अहल हो रही हैं। जिले में कई खवातीन ने हुकूमती गाइडलाइंस के तहत अपना कारोबार शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो हमारी NRL में, ये आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये दूर दराज एरिया है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का बुद्धल ब्लॉक सबसे फार फ्लंग एरिया है, यहाँ तक भी ये स्कीम हमारी पहुँची हुई है। और इस स्कीम के अंडर हमारे पास यहाँ पे इस क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 155 हमारे ग्रुप यहाँ बने हुए हैं, जिसमें कम अज़ कम हमारी 1500 लेडीज़ जो हैं यहाँ जुड़ी हुई हैं इस क्लस्टर में। और हम कोशिश कर रहे हैं जो 1500 लेडीज़ को बढ़ा के हम यहाँ 3 से 5 हज़ार लेडीज़ जो हैं अपने स्कीम के साथ जोड़ें। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुनरमंद खवातीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इनके हुनर को बरोई कार लाने के लिए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ महकमों के जरिए मुख्तलिफ स्कीमें मुरतब कर रखी है, ताकि खवातीन को रोजगार से हम आहंग किया जा सके और उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। जिला राजौरी में कई दीही खवातीन उम्मीद स्कीम से मुस्तफीद हुई है। कई खवातीन ने अपने रोजगारी यूनिट भी कायम किए हैं। तो ये गांव एरिया में आपको पता है बेरोजगारी होती बहुत ज्यादा होती है सिटी से, तो यहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं है बिजनेस का। तो जब से ये हमारे SHG ग्रुप्स यहाँ पे खुले हैं उसकी वजह से हमें बहुत मतलब फायदा हुआ है। तो आज हम मतलब सभी लेडीज से यहाँ पे जितनी भी लेडीज है सभी को मतलब फायदा है, या वो लेडीज है या जेंट्स है सबको, तो इस ग्रुप से हमें बहुत फायदा हुआ है। उम्मीद स्कीम से खवातीन को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। जिला राजौरी में किसी ने सिलाई सेंटर तो किसी ने डेयरी बिजनेस शुरू किया है और कोई खादी के तेले बनाने का कारोबार कर रही हैं। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कई खवातीन न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रही हैं। मुझे 3 साल हो गए हैं इस ग्रुप में सारी स्कीम में जुड़े हुए, तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम कपड़ा लेते हैं बाहर से, लड़कियां आई हुई हैं इनका भी मतलब रोज़गार चल रहा है अच्छे से, तो ये इधर से सीख के जा रही हैं, अब अपना अपना काम खोल रही हैं, ये भी कुछ सीख गई हैं कुछ सीख रही हैं, तो अब अच्छे से काम हो रहा है हमारा। राजौरी की खवातीन काफ़ी हुनरमंद हैं, वहीं इनकी इस हुनरमंदी को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए और उन्हें दूसरी खवातीन के लिए मशले राह बनाने के गर्ज से मरकज की तरफ से उम्मीद नामी स्कीम इनके लिए सोने पे सुहागा के तौर पर काम कर रही है।
जो कश्मीर में खेलकूद और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत श्रीनगर में अपनी नौवीत की पहली कैलिस्थेनिक एकेडमी मुतारफ़ करा दी गई और इसे नौजवानों के नाम वक्फ भी कर दिया गया। यह एकेडमी श्रीनगर के मजाफाती इलाका बेमना में कायम की गई, जहां अब नौजवान खिलाड़ी जिमनास्टिक्स वगैरह की मशक कर सकते हैं और अपनी खेल सलाहियतों को भी निखार सकते हैं। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर के मजाफाती इलाका बेमिना में अपनी नौयत की पहली कैलिस्थेनिक एकेडमी कायम की गई है, जहां नौजवान सेहतमंद सरगर्मियां अंजाम देंगे। ये एकेडमी खेलों में नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की तरबियत देने के लिए कायम की गई है। नौजवानों ने एकेडमी खोलने पर काफी खुशी का इजहार किया। देखिए सर, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा मिला हमें। जैसे हम घर में ही रहते थे तो घर बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे ही स्पोर्ट्स के साथ हमें इन टच रहे हम इस स्पोर्ट्स के साथ। ये अभी कश्मीर में पहली बार हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। श्रीनगर की टाइगर्स कैलिस्थेनिक एकेडमी ने जम्मू कश्मीर की पहली एकेडमी बनकर नौजवानों को कैलिस्थेनिक की तरबियत देकर तारीख रकम की। हिंदुस्तानी फौज के ताउन से ये एकेडमी नौजवानों को बेहतर करियर बनाने के लिए तरबियत देने के लिए कायम की गई है। जब आपके पास अच्छा फिजिक हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो उसी के साथ आप में बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इसी तरीके से जैसे अगर हम किसी दूसरी स्पोर्ट्स की बात करें, नो डाउट हर कोई स्पोर्ट्स अच्छा है, लेकिन इसमें इस स्पोर्ट्स में कैलिस्थेनिक्स में जो है वो आपकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों है। जो आप स्पिन्स करते हो एयर में, जो भी आप स्किल्स दिखाते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग होती है और इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, आप कहीं पर भी कभी भी कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स जिमनास्टिक तर्ज की एक किस्म की वर्जिश है, जिसमें किसी सामान की जरूरत नहीं होती बल्कि सिर्फ अपने जिस्मानी वजन की जरूरत होती है। एकेडमी के ट्रेनर और इंचार्ज इमरान अहमद ने बताया कि ये एकेडमी गुज़श्ता आलमी सियाहती हफ्ते के दौरान कायम की गई। जितने भी स्पेशल फोर्सेज में मिलिट्री यूनिट्स होते हैं वो ज्यादातर कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग यूज करते हैं एज अ फिजिकल ट्रेनिंग। तो कैलिस्थेनिक ओवरऑल ऐसा है कि आप एक अच्छा खासा फिजिक डेवलप कर सकते हो विदाउट मतलब वो ज़्यादा इक्विपमेंट्स आपको नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, आप ये घर में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। कैलिस्थेनिक के लिए आपको कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैलिस्थेनिक्स अमूमी तंदुरुस्ती को फरोग देने के लिए डिजाइन की गई एक हल्की वर्जिश है। ये वर्जिश खेल के साथ साथ जिस्म की ताकत, तंदुरुस्ती और लचक को बढ़ाती है। फौज में जवानों को तंदुरुस्त रखने के लिए इस तरह की वर्जिश की जाती है, जो अब कश्मीरी नौजवानों में मुंतकिल हो रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़। नासिर।